हमने सोचा था कि देवराज इंद्र देवी पौलमी और असुरराज के कृत्यों पर उचित कार्रवाई करेंगे, किंतु उन्होंने तो उन्हीं के पक्ष में निर्णय ले लिया। देवी संतोष, हम स्वयं देवराज इंद्र के इस निर्णय से असंतुष्ट हैं। ब्रह्मदेव, कृपा कर कुछ कीजिए, अन्यथा देवी पौलमी का साहस और अधिक बढ़ जाएगा और उनके अनुचर देवी संतोषी के भक्त को अत्यधिक पीड़ा दे रहे हैं। देवी, देवराज इंद्र के निर्णय के विरुद्ध भाष्य करना अर्थात देवलोक के नियमों के विरुद्ध जाना होगा। देवराज इंद्र के कृत्य पर हम अभी कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। अभी तो इस गंभीर विषय पर हम महादेव से मंत्रणा करने के पश्चात ही कुछ कर पाएंगे। आप व्याकुल ना हो देवी, हम शीघ्र महादेव से भेंट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव। चल अंदर। कृष्णा, तुम कितना दिन इस जेल में रहने वाली हो? मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रही है। संतोषी को मारने के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ मॉम, किसी भी तरह ये मेरे रास्ते से हट जाए बस। तुम्हारी बात सही है, लेकिन अपना काम करने के लिए इस गंदी सी जगह में रहने की क्या जरूरत कृष्णा? देख रही हूँ मैं कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं। डोंट वरी मॉम, मैं यहाँ रहूंगी भी और नहीं भी। अब बाहर जाकर मेरे लिए वेट करिए। जा अपना काम कर। देख, मेरा ना यहाँ पे रोज का आना जाना है। जितनी तूने अपनी जिंदगी नहीं जी ना, उससे ज्यादा मैंने मर्डर किया है। अगर अपनी खैरियत चाहती है ना, चल दबे नहीं, यहाँ चुपचाप। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। पितामह, आपके आदेश अनुसार हम देवी पौलमी और असुरराज को कारागृह से मुक्त करने हेतु गए थे, किंतु पितामह, वहां पे जो हमने दृश्य देखा वो अत्यंत ही संदेहजनक था। हाँ हाँ पितामह, अत्यंत ही संदेहजनक। हमने देखा कारागृह से बाहर नवीनतम देवराज इंद्र ने देवलोक के शत्रु असुरराज का स्वागत अत्यंत ही हर्ष उल्लास और प्रसन्नता के साथ किया। इतना ही नहीं, आश्चर्य की बात तो ये भी है पितामह, देवी पौलमी प्रथम बार नवीनतम देवराज इंद्र से भेंट कर रही थी, किंतु उसके पश्चात भी उनका व्यवहार अत्यंत ही सहज था पितामह। लो साइन कर दो इस पे। हम कहीं कोई साइन नहीं करेंगे। देखो, हमारे पास एक नहीं कई गवाह हैं, और खुद से कबूल कर लोगी तो सजा कम मिलेगी, वरना फांसी भी हो सकती है। जब हमने कोई गुनाह ही नहीं किया तो हम किसी से क्यों डरे? हम कहीं साइन नहीं करेंगे। ठीक है, मत करो साइन। हमारे पास जितने सबूत हैं हम उसी से चार्जशीट दायर कर देंगे। आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सच ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकता। सबको पता चल जाएगा कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। माते,
यदि संतोषी अपराधी सिद्ध हो गई, तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। गौ माता, संतोषी को क्षणिक कष्ट अवश्य हो रहा है, किंतु हमें ब्रह्मदेव पर पूर्ण विश्वास है। वो दादाश्री से मंथना कर शीघ्र ही कोई हल निकालेंगे। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम देवराज इंद्र। आप दोनों अकस्मात यहाँ पर? देवराज इंद्र, देव सभा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने आपके निर्णय का विरोध नहीं किया, किंतु आपका निर्णय पूर्णतः अनुचित था। यदि देवी पौलमी को पुनः कारागृह भेजा गया तो आपके निर्णय का अपमान होगा। आप देवराज इंद्र होने के नाते देवी पौलमी की शक्ति को नियंत्रित रखना आपका परम कर्तव्य है। कैसी हो तुम? ये पुलिस को तुमने क्या बयान दिया? वही जो सच है, लेकिन हमारी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। वो लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लग रहा है। पता नहीं इंस्पेक्टर अंकल ने मेरी मम्मा के बारे में क्या क्या लिखा होगा। मामा, आप स्ट्रॉंग रहना, पापा कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। मुझे कोई काम नहीं आया छोटी, हम तो तुम्हारा काम करके आ रहे। ये देखो, जेल में जो आंटी थी वो कृष्णा आंटी नहीं लग रही थी। अगर उन्होंने अपना रूप बदला तो वो यही होगी। मैं अभी जाके देखती हूँ। आंटी किससे बात कर रही है? कहीं ये कृष्णा आंटी तो नहीं? अब मेरे पास एक ही रास्ता है। ये यहाँ कैसे आ गए? सबको यही लगता है कि पुष्पा पर हमला संतोषी ने किया था, जबकि वो मैंने किया था। मैं अभी जाकर पुलिस वाले अंकल को सब बता दूंगी। लेकिन तब ना, जब तुम यहाँ से जा पाओगी